तो कुछ इस तरह हमारा सूट सिला गया है और इधर साइड का कुछ इस तरह है। तो इतना बड़ा सूट सिलवाई हूँ। ये दोस्तों इतना मोटा मोटा पूरी बना है, आलू का पराठा कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आलू भरिया बोलते हैं, आलू का पराठा पतला होता है, मोटा मोटा सा बना है पराठा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। कर लो प्लीज। मामा मौसी बोलो प्लीज मौसी। सभी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं मुर्गियों का को चावल खिला रहा हूँ। यहाँ पर मैं धान मुर्गियाँ चुन रही हैं। धूप बिल्कुल नहीं निकला है बिल्कुल। तो दोस्तों चंदन के पापा काम पे गए हैं और चंदन यहाँ काम कर रहे हैं, मुर्गियों वाला काम चंदन कर लेते हैं। तो चंदन के पापा काम पे नहीं जाते थे तो वो खुद करते थे। अब उनके नीचे राख धरना, जैसे भूसी रखना, धान का भूसी होता है जो चावल निकलने से पहले धान का भूसी निकलता है फिर चावल निकलता है, तो वही भूसी है। तो चंदन यहाँ मास्क बना लिए हैं तौलिया का, तो जा रहे हैं रखते हैं। और चंदन ये सब साफ सफाई वाला काम नहीं करते थे तो इनको नहीं करने का मन नहीं करता। फिलहाल बोले कि पापा काम पे जाते हैं तो हमको भी हाथ बटाना चाहिए। तो अब अच्छा है, इतना सब समझ रहे हैं। ये फैसला चंदन के पापा लिए थे कि हम मुर्गियां पाल लेंगे, कुछ इनकम हो जाएगा, उसको भी काम करेंगे और हमारी तो और हमारे कुछ आसपास के भैया भी बोले थे कि अच्छा रहेगा, इनमें जल्दी से आपको मुनाफा भी मिल जाएगा, पैसा चार पैसे का आमदनी भी हो जाएगा। तो मिलता तो है दोस्तों, इसमें कोई घाटा नहीं है, ये मेहनत करने के ऊपर है। तो यहाँ चंदन देखिए, और सबके बस के बात नहीं है, सब नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। और अगर गाय भैंस का पालन करना होगा तो हम कर लेंगे। तो यहाँ हमारे चंदन राख को मुर्गियों के उसमें डाल रहे हैं। और शीतल और गुंजन तो निकल जा गई हैं घूमने, यहाँ अंजलि तो बैठी हुई है, लावा फोड़ रही है। तो शीतल गुंजन बाहर कहीं गई घूमने। और आलू है, हाँ आलू है। सफाई सब हो गया है, तो दोस्तों आलू का पूरी बनाई हूँ, सब लोग खा रहे हैं। और अभी आप सबको बताएंगे कैसा बना है। अच्छा लगा। तो मोटा मोटा सा बना है पराठा की तरह, जिस तरह पराठा बनाया जाता है तो वो पतला रहता है, लेकिन ये आलू भरिया बोला जाता हमारे यहाँ, आलू का पूरी भी बोलते हैं। तो ये शाम का खाना बनाने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हम सब, तो चूल्हे पे बना रहे हैं। अच्छा लगा। तो इतना सारा पूरी बनाई हूँ, अभी बना बना के रखी हूँ यहाँ पर, चूल्हा जल गया है। तो ये वाला चूल्हा बहुत अच्छे से जलता है, हम सब शाम का खाना इसी पे बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इतना मोटा मोटा पूरी बना है, आलू का पराठा कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आलू भरिया बोलते हैं, आलू का पराठा पतला होता है। तो हम ये वापस इसी में रख देते हैं, सोचिए आप सबको दिखा दूँ। और ये शाम को आएंगे चंदन के पापा खाएंगे और अभी बच्चे भी खा लेंगे। तो दोस्तों हमारा चावल बन गया है, अब शाम को रोटी बनाना है और सब्जी बनाना है। तो यहाँ चावल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हे का आग को निकाल के वहाँ अलाव पे रख देते हैं और यहाँ से चूल्हा उठा के रख देते हैं दूसरे साइड में। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आग को भर ली हूँ। इसी तरह रेसिपी का वीडियो शूट करने के बाद में सारा बर्तन बटोरना पर ले चलते हैं, रख देती हूँ आग को। अभी यहाँ लाल जल जाएगा और पूरे द्वारे का झाड़ू लगाना है। एक बार तो लगाए थे, तीन बार हो जाता है इस समय झाड़ू लगाने, नहीं गर्मी के मौसम में दो बार झाड़ू लगाते हैं, साफ रहता है। अभी अलाव जलाने की वजह से कूड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ गुंजन और अंजलि लग रही थी, देखिए फूल का पौधा ही तो होगी। तो दोस्तों बर्तन धो चुके हैं और यहाँ पर
चल रही हूँ पानी भर लेती हूँ खाना बनाने के लिए। लाइट आया हुआ है, मोटर चला दिए हैं, अभी तो ठंडा पानी निकल रहा है ना गुंजन। तो बर्तन यहाँ धुल के रख दी हूँ, अभी गुंजन शीतल ले जाएंगी रखेंगी। तो यहाँ पर पानी भर लेते हैं। तो पाइप में जो पानी बचा रहता है वो बहुत ठंडा ठंडा निकलता है, इसीलिए भर रहे हैं, फिर उसको सोची कि निकलने देते हैं फिर भरें। तो यहाँ पर भर रही हूँ। तो यहाँ बाल्टी में पानी भर ली हूँ बनाने के लिए। यहाँ शाम के 5 बज रहा है, तो बंद कर दो मोटर, बंद कर दो। तो यहाँ जग में पानी भर लेते हैं पीने के लिए। तो यहाँ ये सब बर्तन ले जा रही हैं और हम पानी भर लिए हैं, तो पानी यहीं पर रखेंगे। उधर पानी सब अड़ा देती हैं तो बहुत क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर ले जाकर बर्तन को रख रही हूँ। तो दोस्तों ये वाला सूट मैं बहुत दिन से रखी थी और वैसे 2 सूट लाई हूँ, तो बहुत दिन से रखा हुआ था ये, ऐसे तो ये शायद गर्मी में ही ली थी कपड़ा, तो अब सिलने के लिए दी हूँ। तो हमने ये 250 का ली थी, तो एक अभी सिलने को पड़ा है, एक सिला गया था तो यही गांव में दी थी सिलने के लिए, बोली ले जाओ, तो ले आए हैं। देखिए अब कि हमारा सूट इस तरह सिल गया है। तो दोस्तों ये थोड़ा कम रेट वाला था, तो इसमें ज़्यादा कपड़ा बड़ा नहीं रहता, नहीं तो सूट हम लंबा सिलवाते, लेकिन इसका इतना ही था तो हम ज़्यादा नहीं सिलवा पाए। तो नज़दीक से दिखा दो चंदन, तो देखिए कुछ इस तरह, तो कुछ इस तरह हमारा सूट सिला गया है। तो इधर साइड का कुछ इस तरह है, तो इतना बड़ा सूट सिलवाई हूँ। ये 29 इंच का है और ये दुपट्टा है और ये वाला सलवार है। देखिए कुछ इस तरह सिला गया, तो अब की बार अच्छा सिला गया है, मैं नापी थी। किसी दिन पहनेंगे तो दिखाएंगे कि किस तरह, कितना लंबा साइज है, कैसा लगता है ये। तो बहुत अच्छा तो लग रहा है, तो अब पहनेंगे कैसा लगेगा ये नहीं पता है। तो यहाँ पर सूट को मैं रख रही हूँ फोल्ड करके, ये सलवार हो गया, तो अच्छा ही सिला है, यहाँ पर मैं फोल्ड करके रख दी। तो ये और ये वाला दुपट्टा है, दुपट्टा भी अच्छा है, देखते हैं इसका कलर जाता है कि नहीं। हाँ सूट का सिलाई 150 रुपया है और हमारी जान पहचान की एक दीदी हैं, तो उनसे सिलवाई हूँ, तो वो हमसे 100 ही रुपया ली हैं। तो अभी एक सूट और है तो उसको भी सिलाना है, तो यहाँ पर फोल्ड करके मैं रख दे रही हूँ। तो दोस्तों बताना आप सबको हमारा सूट अच्छा लगा, सिलाई अच्छा है कि नहीं है। और हर बार, एक बार मैं सिलाई थी तो वो छोटा हो गया था सूट ही, तो अब की बार थोड़ा बड़ा सिलवाई। तो यहाँ चंदन तापने के लिए ला रहे हैं जो लकड़ियाँ काट के रखे थे, यहाँ पर मैं लकड़ी ला रहा हूँ और शाम का टाइम है, रख रहे हैं। तो चंदन डेली ले आते हैं, जब भी टाइम इनको मिलता है शाम को ले आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। 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 बोलो पुलिस मास्टर।